नमस्कार दोस्तों, जब भी एलियंस की बात उठती है तो कुछ सवाल अचानक हमारे दिमाग में उठने लगते हैं। अगर एलियन सच में होते हैं तो वो दिखते कैसे होंगे? क्या वाकई में एलियन होते हैं? UFO क्या सच में दिखाई देती हैं? क्या वो इंसानों के लिए खतरा है? इससे परे क्या किसी अन्य ग्रह पे जीवन संभव है? कभी कोई एलियन को देखे जाने की बात कहता है तो कोई UFO देखे जाने की बात करता है, लेकिन अब तक एलियंस को लेकर वैज्ञानिक सबूत नहीं मिल पाए हैं। लेकिन हाल ही में क्वेक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कहा सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के उपग्रह चंद्रमा पर एलियंस हो सकते हैं। रिसर्चर्स का दावा है कि एलियंस जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर हो सकते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया है कि यूरोपा पर पानी भी हो सकता है। यूरोपा की ज्यादातर सतह पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। यूरोपा की भौगोलिक स्थिति ग्रीनलैंड से मिलती जुलती है। ग्रीनलैंड में बर्फ के नीचे पानी में जीवन मिलता है। यहाँ झींगा, जेलफिश और घोंघे जैसे जीव पाए जाते हैं। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोपा में बर्फ की कठोर सतह के नीचे पानी में जीवन हो सकता है। खोज के दौरान यूरोपा पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी लकीरें देखी गई हैं, जो उठी हुई बर्फ है। इन्हें डबल रिज कहा जाता है। यह लकीरें उत्तर पश्चिम ग्रीनलैंड की तरह विशेषताएं साझा करती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डस्टिन श्रोएडर ने कहा कि अगर बर्फ के नीचे पानी है तो जीवन की संभावना है। जिस तरह की भौगोलिक स्थिति ग्रीनलैंड में देखने को मिलती है, वैसे ही कुछ यूरोपा पर देखने को भी मिलती है, जिससे अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर पानी है। पहली बार वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखा है जैसा पृथ्वी पर होता है। उन्होंने कहा कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्फीले यूरोपा पर आखिर किस तरह की फिजिक्स और गतिशीलता की प्रक्रियाएं हावी हैं।